हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त सोनी आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दो बहुत ही हैवी से लहंगे। दोनों ही लहंगे जो हैं वो वेलवेट में हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हैं और किसी भी अच्छी वेडिंग के लिए, फंक्शन के लिए, फेस्टिवल के लिए आप इनको वेयर कर सकते हैं। इनका जो लुक है वो एकदम कमाल आने वाला है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लहंगा पसंद आता है, आप उसे परचेज करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए और देर ना करते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ आज का पहला लहंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ये लहंगा कुछ इस तरह से आएगा। ये लहंगा आपको इसी तरह स्टोरेज बैग में रिसीव होगा। तो ओपन करके देख लेते हैं लहंगा कैसा आएगा और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। काफी हैवी सा लहंगा है। इस लहंगे में आएगा ब्लाउज, दुपट्टा और ब्लाउज की बैक और एक हैवी सा लहंगा। तो चलिए सबसे पहले लहंगा ही देख लेते हैं कैसी क्वालिटी आएगी लहंगे की। तो लहंगा ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। आप देख लीजिए लहंगे का फर्स्ट लुक है इस तरह से। तो लहंगे का जो फैब्रिक है वो विस्कोस वेलवेट दिया गया है। विस्कोस वेलवेट जो होता है ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल टाइप का मटेरियल होता है और काफी सॉफ्ट रहता है। तो इसका फ्लो जो है वो काफी अच्छा आता है और फिटिंग वगैरह भी काफी अच्छे से आ जाती है। सेमी स्टिच कंडीशन में लहंगा आएगा। आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर डोरी डाल सकते हैं और साइड में एक स्टिचिंग करवानी है आपको और ये रेडी है वेयर करने के लिए। तो इसमें वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अंदर की तरफ जो है लाइनिंग पहले से अटैच है, तो आपको लाइनिंग लगवाने की जरूरत नहीं है। लहंगे का जो पैटर्न है वो कलीदार आएगा। कलियों में लहंगा बनाया गया है। काफी सारी कलियां हैं जो लहंगे में दी गई हैं, जिससे इसका फ्लेयर अच्छा आएगा और जो लहंगे का फिट है वो भी काफी अच्छा आएगा। तो ये कलीदार पैटर्न में आएगा। आपको पूरे लहंगे में जो है इस तरह से सीक्वेंस और थ्रेड की जरी की एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, जो कि ये बड़े बड़े मोटिफ जो हैं ये आपको पूरे लहंगे में मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर छोटे छोटे हैं, उसके बाद थोड़े बड़े हैं और नीचे की तरफ आकर ये काफी बड़े बड़े मोटिफ हो जाते हैं, जो कि काफी हैवी लग रहे हैं। और एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ। ये छोटी छोटी जो है ये गोल्डन जरी की एम्ब्रॉयडरी है, साथ में आपको थ्रेड की थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी मिल रही है पिंक कलर में। और ये जो बीड्स हैं ये आपको सारे लहंगे में लगे हुए मिलेंगे। और ये बीड्स जो हैं ये प्रॉपर लॉक सिस्टम से किए गए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से लॉक किए गए हैं, तो ये बीड्स कभी भी निकलने वाले नहीं है। पहनने के बाद इसका लुक जो है काफी अच्छा आएगा। ब्लू कलर में काफी अच्छा लग रहा था तो मैं ब्लू कलर आपको शो कर रही हूँ। वैसे इसमें मरून, ग्रीन, ब्लैक कलर भी आपको मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सा कलर चाहिए। तो ये इसका लहंगा हो गया, जो कि 44 वेस्ट साइज तक आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख लीजिए इस तरह से इसका लुक आ रहा है। आई होप कि आपको लहंगा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये हो गया लहंगा। अब मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ, जो कि लहंगे की तरह ही काफी हैवी बनाया गया है। तो ब्लाउज का जो फ्रंट है वो कुछ इस तरह से आएगा। आप देख सकते हैं सेम नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज जो है वो दिया गया है। विस्कोस वेलवेट इसका भी फैब्रिक है और पूरा जो फ्रंट है वो एम्ब्रॉयडरी से भरा गया है। आप देख सकते हैं गोल्डन जरी की एम्ब्रॉयडरी के साथ पिंक कलर की थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी, बीच बीच में सीक्वेंस का वर्क भी किया गया है और नेक के ऊपर आपको इस तरह से काफी प्यारी जरी की एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, जिससे नेक को अच्छा फिनिश मिल रहा है। तो ये इसका ब्लाउज का फ्रंट आएगा, जो कि आप 44 बस साइज तक बनवा सकते हैं। इसके साथ आपको बैक के लिए प्लेन फैब्रिक दिया गया है, जो कि सेम विस्कोस वेलवेट में आएगा। ये आपको बैक के लिए दिया गया है और इस ब्लाउज के साथ आपको इतनी हैवी फुल स्लीव का फैब्रिक भी दिया गया है। तो सेम जैसे ब्लाउज का हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला फ्रंट था, इसी तरह से स्लीव्स में आपको ये एक स्लीव है और ये दूसरी स्लीव है। दोनों स्लीव्स में सेम सीक्वेंस और जरी की एम्ब्रॉयडरी मिल रही है और एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल जब ब्लाउज आप स्टिच करवाएंगे तो ये यहाँ से सारा हैवी होगा, फ्रंट स्लीव सब पूरा इसका हैवी आएगा और ब्लाउज का लुक काफी अच्छा आएगा। तो ये इसका ब्लाउज हो गया, जो कि आप 44 बस साइज तक बनवा पाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। तो दुपट्टा जो है वो लाइट पिंक कलर में आएगा। पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है, तो ये ब्लू के साथ लाइट पिंक कलर का दुपट्टा दिया गया है। सॉफ्ट नेट इसका फैब्रिक है। फोर साइड आपको इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर मिल रहा है, काफी हैवी एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर के ऊपर की गई है। और कॉर्नर पे आपको इस तरह से ये गोल्डन कलर की सिक्स एक वाली लेस मिल रही है।
तो ये आपको पूरे दुपट्टे में चारों तरफ बॉर्डर के साथ गोल्डन कलर की ये जिगजैग वाली लेस लगी हुई मिल रही है, और बीच में जो पूरा दुपट्टा है उसमें भी आपको गोल्डन कलर की जरी की एम्ब्रॉयडरी के साथ ये लॉक वाले बीड्स लगे हुए मिल रहे हैं। तो ओवरऑल दुपट्टा जो है हैवी बनाया गया है इस तरह से। तो ये इसका दुपट्टा हो गया जो कि काफी अच्छा लग रहा है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लहंगा। मैं आपको दिखाती हूँ आज का हाईलाइट जो कि है ये वाला लहंगा। काफी हैवी सा गोल्डन लहंगा है ये। इस तरह से स्टोरेज बैग में आएगा। स्टोरेज बैग आप देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी का है, और स्टोरेज बैग का बेनिफिट हमेशा यही रहता है कि आपकी जो हैवी ड्रेसेस होती हैं काफी हैवी वर्क वाली, उनका जो वर्क वगैरह है वो स्टोरेज बैग की वजह से सेफ रहता है। तो आप वेयर करने के बाद ड्रेस को स्टोरेज बैग में सेव करके रख सकते हैं। तो ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। इसमें आएगा एक दुपट्टा, ब्लाउज और एक बहुत ही हैवी सा सीक्वेंस का लहंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लहंगा ही दिखा देती हूँ क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो लुक है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो आपको फर्स्ट लुक दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से आएगा। आप देख लीजिए इस तरह से लहंगा आएगा। आई होप कि आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखा देती हूँ। इस तरह से सीक्वेंस वर्क का लहंगा है। लहंगे का जो फैब्रिक है वो विस्कोस वेलवेट है, लेकिन फैब्रिक कहीं पर भी आपको नजर आएगा ही नहीं क्योंकि इसके ऊपर इतना हैवी सीक्वेंस का वर्क किया गया है। मैं आपको काफी नजदीक से दिखा रही हूँ क्योंकि कस्टमर जो है मुझे नजदीक पिक्चर हमेशा मांगते रहते हैं, तो मैं आपको अच्छे से नजदीक से दिखा रही हूँ। आप देख लीजिए फुली रेडीमेड लहंगा आएगा, कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, पूरा बना हुआ है। आपको सिंपल यहाँ पे डोरी डालना है और आप इसे वेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 42 वेस्ट साइज तक आप इसको वेयर कर पाएंगे, इससे ज्यादा को ये नहीं आएगा। तो ये इसकी वेस्ट हो गई, जहां पर आपको पूरा प्रॉपर स्टिच बेल्ट मिल रहा है, आपको बस यहाँ पर डोरी डालने की जरूरत पड़ेगी। लहंगे का जो फैब्रिक है वो विस्कोस वेलवेट आएगा। मैं आपको बता चुकी हूँ विस्कोस वेलवेट जो होता है ये एकदम सॉफ्ट टाइप का वेलवेट होता है, और इसका जो फ्लेयर है वो काफी अच्छा आता है, और ये सॉफ्ट होता है। बॉडी हगिंग एकदम फैब्रिक है जो कि आप वेयर करेंगे तो ये एकदम आपकी बॉडी की शेप ले लेता है, इसलिए इसका जो फ्लो है, इसका जो फ्लेयर है वो काफी अच्छा आता है। तो इस तरह से विस्कोस वेलवेट में पूरा लहंगा आएगा, और पूरे लहंगे में ऊपर से लेके नीचे तक आगे पीछे सारे में आपको गोल्डन कलर का सीक्वेंस का वर्क मिल रहा है जो कि चिपकाए नहीं गए हैं, अच्छे से एम्ब्रॉयडरी के साथ इस फैब्रिक के ऊपर स्टिच किए हुए हैं, तो ये कहीं पर भी जाने वाले नहीं हैं। तो ये पूरा वर्क जो है आपको थ्रू आउट पूरे लहंगे में मिलेगा, और लहंगे के अंदर की तरफ आपको यहाँ पर कैन भी मिल रहा है। तो ऑलरेडी लहंगा काफी हैवी है और इसमें कैन लगा हुआ मिल रहा है, अंदर की तरफ लाइनिंग भी अटैच है। तो आपको लहंगे में तो बिल्कुल भी एक सिलाई भी लगवाने की जरूरत नहीं है, पूरा रेडीमेड है लहंगा, और फ्लेयर में लहंगा बहुत अच्छा है। 4 मीटर के आसपास इसका फ्लेयर आएगा, तो लहंगा बहुत अच्छी क्वालिटी में दिया गया है। मैं थोड़ा सा वेयर करके आपको दिखा दूंगी जिससे आपको इसके लुक का थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आप देख लीजिए फ्लेयर में भी लहंगा काफी हैवी है। तो ये लहंगा हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। विद कैन आएगा, हैवी वर्क लहंगा है और काफी गर्लिश है। इस लहंगे में आपको वैसे 2-3 कलर और मिल जाएंगे, लेकिन उनका बेस जो है वो ब्लैक ही रहेगा। जो ऊपर सीक्वेंस है, जैसे इसमें गोल्डन कलर दिया गया है, उनमें सीक्वेंस का कलर रेड, ग्रीन या फिर वाइन कलर हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा, आपको अगर सीक्वेंस का वर्क चेंज करना हो तो आप कोई और कलर का भी लहंगा परचेज कर सकते हैं, पर बेस उसका ब्लैक ही रहेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका ब्लाउज। आप अगर इसकी रियल इमेज देखेंगे तो इसका ब्लाउज जो था वो ब्लैक कलर में प्लेन आएगा, और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कहीं पर सीक्वेंस का वर्क है। तो प्लेन पार्ट के लिए आपको टाफेटा सिल्क में ये फैब्रिक दिया गया है, जो कि इतना अच्छा खासा फैब्रिक है कि आप इसमें 46 तक भी ब्लाउज इजीली बनवा सकते हैं। तो ये आपको फैब्रिक दिया गया है प्लेन वाले पोर्शन के लिए, फ्रंट और बैक, और इसके साथ आपको ये सीक्वेंस में 2 पीस दिए गए हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉलर में यहाँ पर नेक के ऊपर सीक्वेंस का डिजाइन है, उसके लिए ये वाला फैब्रिक दिया गया है आपको, और स्लीव्स के लिए आपको ये फैब्रिक दिया गया है, आप इसमें से अपनी स्लीव्स निकलवा सकते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज के लिए हो गया। इसकी जो फ्रंट बैक है वो प्लेन आएंगी, यहाँ पर नेक के ऊपर सीक्वेंस का वर्क आएगा, और स्लीव्स जो है वो भी सीक्वेंस में आएगी। सेम हैवी सीक्वेंस वाला फैब्रिक जो है आपको बाकी डिजाइनिंग के लिए भी दिया गया है। तो ये इसका ब्लाउज हो गया।
और दुपट्टा जो है इसका वो नेट में आएगा। आप देख सकते हैं सॉफ्ट नेट दी गई है, 2.5 मीटर का दुपट्टा है। फोर साइड आपको सेम गोल्डन सीक्वेंस का बॉर्डर मिल रहा है, जो कि कुछ इस तरह से पूरे दुपट्टे में फोर साइड आएगा। लंबाई में चौड़ाई में दुपट्टा काफी अच्छा है, क्योंकि लहंगा बहुत ज्यादा हैवी है और ब्लाउज भी इसका काफी हैवी बनेगा, तो दुपट्टा थोड़ा सा सोबर दिया गया है, थोड़ा गर्लिश लुक के लिए। तो ये इसका दुपट्टा हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड लहंगा। दोनों ही लहंगे जो हैं बहुत ही अच्छे फैब्रिक के साथ बनाए गए हैं, लुक वाइज काफी हैवी रखे गए हैं और आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए, वेडिंग सीजन के लिए दोनों लहंगे एकदम परफेक्ट रहेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मेरी वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।